उर्दू जिला जींद हरियाणा से आए हैं जी हम। अच्छा जी, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत बढ़िया लग रहा है, हम समार एकता में शामिल हो रहे हैं, हमें अपने भाईचारा का पता लग रहा है और हम बहुत खुश हैं भाईचारा के साथ। जी जी, तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे तो इस तरह के जिला स्तर पर कार्यक्रम? जिला स्तर पर हम सबको संगठित होना चाहिए, सभी चमार जाति को एक हो जाना चाहिए, पूरी दुनिया में चमार जाति एक होगी तभी हमारी शक्ति बनेगी। वाह जी वाह, देखो कितनी अच्छी बात कही है। शक्ति लाहौर, रविदास शक्ति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी भाषा अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पहली बार चमार अधिवेशन, प्रथम चमार अधिवेशन 2023 4 अप्रैल को हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधार रहे हैं और आ रहे हैं, मैं इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं मुजफ्फरनगर से खतौली ब्लॉक से प्रधान मनोज कुमार और इस सभी आए लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जी मुझे उम्मीद है तालकटोरा स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी और ये चमार एकता मंच जो है बिल्कुल अपनी एकता दिखाकर ही दिल्ली से निकले। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। देखिए, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का यहाँ एक फ्लैक्स लिए हुए एक टीम खड़ी है, हमारे समाज के लोग हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, आज वो प्रथम चमार अधिवेशन में दिल्ली आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे सर जी? जय रविदास। मैं विजयराज शेगेकर, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। ये जो बैनर लगा है और बोर्ड लगा है, ये सामाजिक संगठन है जो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र के 31 जिले में और 367 तालुका में ये संगठन हम लोग चर्मकारों के लिए चलाते हैं। हमको पहली बार मालूम पड़ा माननीय गाड़े साहब की वजह से कि पूरे भारत के चर्मकार लोगों का दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में चर्मकार का प्रथम अधिवेशन हो रहा, उसके लिए हम लोग महाराष्ट्र से कम 200 के ऊपर लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम यही चाहते हैं कि पूरे देश में जो चर्मकार कम्युनिटी है वो इकट्ठा आए और अपना नेशनल लेवल पर अपना संगठन खड़ा करे ताकि भारत में जो चर्मकार लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होता है वो अन्याय और अत्याचार दूर हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो संविधान के द्वारा हम लोगों को हक और अधिकार दिए हैं वो आज के समय में सभी हक और अधिकार खत्म हो रहे हैं और ख़त्म होने के बाद उसके पास हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जो 5000 साल पहले हमारी जो अवस्था थी ऐसी अवस्था अभी हमारी हो जाएगी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि भविष्य में पूरे भारत में चर्मकार कम्युनिटी इकट्ठा आके चर्मकार लोगों की हक और अधिकार की लड़ाई, जो अलग अलग स्टेट से चर्मकार लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वह इकट्ठा आए और हमारी हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वह उदाहरण ये है, कुछ दो साल तीन साल पहले दिल्ली में जो गुरु रविदास जी का मंदिर का तोड़फोड़ किया था उस समय दिल्ली में काफ़ी सारा हंगामा हुआ, लेकिन उसका आउटपुट अगर हम देखा जाए तो हमको उसमें वापस कुछ नहीं मिला। अगर यह अधिवेशन इसके पहले भारत में पूरे चर्मकार लोगों का अगर होता था तो पूरे भारत में सभी चर्मकार साथी पूरे देश में आंदोलन करते थे और वो आंदोलन का आउटपुट ये होता था कि वो जगह और वो मंदिर सरकार को हमको वापस बांध के देना पड़ता था। मैं देर आए दुरुस्त आए, लेट क्यों नहीं होता, लेकिन हम ये का प्रचार करने वाला महाराष्ट्र राज्य जो पहली बार भारत के अंदर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो पहला चर्मकार समागम अधिवेशन लगा है बहुत अच्छा लगा है। मेरे मालूम पड़ा तो मैंने महाराष्ट्र में बहुत हर जगह पर प्रचार किया और सभी साथियों को इधर लेके आया है, ये मेरी गिनती है। तो देखिए ये पूरे देश भर से अलग अलग अभी लोग आ रहे हैं, अच्छा मैसेज जाएगा इसका। और जिस दिल्ली की आयोजक कमेटी ने या पूरे देश भर के जिसमें लोग शामिल हैं जिन्होंने भी ये आयोजन किया है, हमें अपने समाज को इकट्ठा करने का काम किया है, उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य है, यह इतिहास में लिखा जाएगा। और उस तरह के जिला स्तर पर ये कार्यालय बनने चाहिए चमारों के। और हम कहना चाहते हैं कि अपने आप को दलित बोलना बंद करें, दलित किसी संविधान का अंग नहीं है, अपने आप को अगर हम चमार हैं, चमार जाति का सर्टिफिकेट है हमारे पास, तो अपने आप को चमार ही बोलें और बेबाक बोलें, आप इस निडरता को दूर भगाएं। गुरु रविदास जी ने कहा है, कह दास खलास चमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा, कि जो हमारी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, हमारे को मानता है, वही हमारा मित्र है। ऐसे कोई पैदा होने वाला व्यक्ति भी
और उन्होंने बहुत सारे विषयों पे और भी चीज़ों पे बोला है। उन्होंने कहा है अपनी एक वाणी में, हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते बुद्ध कबू ननाशी, कि हमारे समाज में हम बड़े कवि भी हैं, कुलीन भी, पंडित, विद्वान, योगी, शूरमा, योद्धा हैं, फिर हम अपने आप को दीनहीन क्यों मानते हैं। जो लोग इस तरह के संगठन देश में चलाए जा रहे हैं भ्रंतिया, वो हमारे को दबा कुचला लाचारी बताते हैं। क्या कमी है हमारे में, हमारे शरीर में क्या वो दिल नहीं है जो और लोगों के दिल अंदर नहीं है? हमारे अंदर वही खून है, सब कुछ है, चाम मांस और रक्त का जनका बनाकर आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार, गुरु रविदास जी ने कहा है। तो इसलिए एक प्रथम पहल हुई है, जो लोग घरों में तो मानते थे, केवल सर्टिफिकेट तक दायरे थे, लेकिन आज खुल के अपने आप को हमारा 5-5, 4-4 साल का बच्चा भी अपने आप को चमार कह रहा है। तो ये हमारे सतगुरु रविदास जी और हमारे स्वामी समंदास जी और अन्य गुरुओं महापुरुषों की देन है जो देश भर में काम कर रहे हैं। और हम उन संगठनों का भी धन्यवाद करते हैं जो संगठन अपनी चमार कौम पर काम कर रहे हैं दिन रात, और इस तरह हमारे लोगों का ये इतनी दूर दूर से 1,000-2,000 किलोमीटर से चल के आए हैं, सभी का धन्यवाद। आज का कार्यक्रम सफल होगा, पूरे देश और दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि एक चमार कम्युनिटी ने, चमार समाज ने एक समागम किया है। अब अपने आप, अब रुकना नहीं। मैं आपको एक दोहा शायरी सुनाना चाहता हूं, अरे अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं, अरे अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं, नाम कौम का तुम्हें चमका देना, और कितनी एकता है चमारो तुम्हारे अंदर, सारी दुनिया को अब दिखा देना। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा, चमार कौम का नाम रहेगा। मैं रायचंद, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति, अमर कॉलोनी, पूर्वी गोकलपुर, दिल्ली 94 का मंदिर में सेवादार अध्यक्ष के प्रति समर्पित हूँ, जो भी कहें, लेकिन हमारी संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर प्रबंधन समिति अध्यक्ष को और समिति को निर्वाचित करती है, तो मैं अध्यक्ष के तौर पर इस मंदिर में कार्य कर रहा हूँ और मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं। मैं अपने समाज के प्रति पूर्णतया समर्पित हूँ। इससे पहले मैं सरकारी नौकरी में राजपत्रित अधिकारी रहा हूँ और अपने समाज की जो कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनको अच्छे से जानता हूँ और उसमें सुधार लाने का सदैव भरसक प्रयास करता रहता हूँ। अभी ये जो प्रोग्राम बच्चे चमार एकता सम्मेलन का जो ये कार्यक्रम है, इसमें इन्होंने मुख्य तौर पर आमंत्रित किया है और हम इनको साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारा पूरा चमार समाज एक होगा और आगे भविष्य में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा और शुभकामना है। अच्छा कार्य किया है और हम भाई अमित के साथ हैं बिल्कुल, और तो अपनी चमार कौम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम चौधरी साईरंगा है, मैं भिवानी हरियाणा से आया हूँ और यही अपने सोशल मीडिया से जानकारी लगी थी। क्या कहना चाहेंगे चमारों को सभी देश के? देखो चमारों, हम तो यही कहना चाहिए भाई, एक हो जाओ, सीधी सी बात है। अगर अपनी सरकार लानी है और एक हो जाओ राज लाना, तो देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात, हमारी जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा, हमारी हिस्सेदारी तो होनी चाहिए, पर हमारा कोई नेता नहीं आजकल सही, हमारे जो चमारों की तो बात कोई करता ही नहीं है, सीधी सी बात है। देखो तो राजनीति वो बाबा साहब से परे होती है, आजकल तो चमारों की मतलब चमार की कोई पूछ ही नहीं है एक प्रकार से, इसलिए जी जी बहुत अच्छा लगा साहिल लंगा भाई। थोड़ा भाई साहब कहाँ से आए हैं आप लोग? भाई साहब मैं गोकलपुर विधानसभा चमार बेल्ट दिल्ली से आया हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी। सबसे आपका भी धन्यवाद, चमार बुलेटिन भाई मित्र सेन जी का भी, हमेशा समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं भाई। लगा ये देखे, एक ही समाज है जो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है पूरे देश के अंदर। इनका धन्यवाद करने और इसलिए हम यहाँ आए क्योंकि ये कोई तो है जो हमारे चमारों की बात कर रहा है, वरना चमारों को तो लोगों ने तेजपात का पत्ता बना दिया है, बिरयानी में सबसे ऊपर और फिर चूस के सबसे पहले बाहर फेंकते हैं। तो आजकल चमारों के साथ ये हो रहा है। और अभी जैसे लोग बात करते हैं, आज कुछ एलिगेशन भी लगे, बहुत सारी बात ऊपर नीचे हुई, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बाबा साहब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारे लोगों ने की है, जो नाम मिला आज उन्हें वो चमारों ने। ऐसी फना मोहब्बत पूरी दुनिया में दूसरी तारीख नहीं है कि आप बता सको कि ऐसा हुआ है। बाकी ये है कि ये सब चलता रहता कोई बात नहीं, लेकिन चमारों की एकता और चमारों का संगठन
और चमारों की शक्ति को अब आगे गुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से रुकने नहीं दिया जाएगा। और अभी 2 अप्रैल गई है, अगर इतिहास उठा के आप देख लो या आप मेरे पे एलिगेशन लगा लो कि 2 अप्रैल के महाबंध में मरने वाले 13 लड़के हमारे भाई कौन सी कौम से थे, तो बता दो मुझे चमार कौम से थे। और दूसरा, और ये हमारी हम अपने आप में शर्म मानते हैं कि उन्हें 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 उनके घर में सरकारी नौकरी सबको एक होकर दिलवानी थी, जो इन्होंने नहीं दिलवाई और बहुजन के नाम पर उन्हें फना कर दिया सिर्फ एक मूर्ति लगा करके। ये सबसे बड़ी शर्म की बात हुई। और आज के आपके माध्यम से, क्योंकि आपके फॉलोवर बहुत ज़्यादा, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे साहिल लंगर जैसे भाई हैं, इन यूथों को ये अपने चमार कौम को एक करने के लिए बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी चैनल चलाते हैं, आपका भी चमार टीवी है, इन सबको फॉलो करें समाज, इन्हें आगे बढ़ावे, नहीं तो आगे फिर तुम्हारे इतिहास में भी नाम मिलने वाला है नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुजन के नाम पर फना करने की तैयारी चल रही पूरी। नहीं चमार, जब भाई चमार तो हर सकस चमार है, ये रविदास जी महाराज ने प्रूफ करके दिखाया वो नुकसान दे रहा है। कह रविदास खलास चमारा जो हमसे अहरुस प्रीत हमारा, हम तो किसी से कह, महाराज ने फिर नू भी कह दिया कि रहो तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह रहो, कि जब कोई तुम्हारे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का प्रयास करे तो फिर सारे एक होकर के चिपट जाओ, तब बात कुछ बनेगी। तो इस तरीके से महाराज ने हमें सारे आदेश दे रखे, ऊपर से भी या नीचे से भी, बस हमारा कोई नेतृत्व करने वाला मित्र सेन जी नेता नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी समस्या आ रही, हम बिन इंजन के डब्बे हो रहे, हमारा कोई इंजन नज़र नहीं आ रहा। अगर एक इंजन हमें लीडर मिल जाए, थी 4 बार मुख्यमंत्री बनाने वाले यही हैं, लड़े थे भिड़े थे काम में बिना डरे, तो वही है आज जब से ये अलग हुआ है, जब से पता भी नहीं लग रहा कहाँ जा रहे कौन कहाँ है, समझ गए, बहुत देख लिया नज़ारा, आगे भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो यही है वे जो 4 बार मुख्यमंत्री, हाँ तो उसका क्या हो जाएगा, हमारी गैल में क्रिटिसमेंट करने वालों का, और चमार सबत्ते तो ऐसे भागे हैं जैसे मधुमक्खी छत्ते में हाथ दे दिया, अरे क्या डर है, चमार क्या, चमार इलाज हो ही रहा, चमार किसका इलाज नहीं करना जानते, चमार तो सबका करे, रविदास महाराज ने किसे छोड़ा, सबके इलाज करके गए। बाबू जगजीवन नाम को सरकारी नौकरियों में भरने वाले, वो जो 1971 की रक्षा मंत्री रहते हुए जो उन्होंने अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया, वो पूरे इतिहास में, तो चमारों में कोई स्ट्रेंथ है इसकी, कोई ताकत की कमी थोड़ी है चमार। और हाँ, वो समनदास जी के आग्रह थे, आज उनका भी याद करना जरूरी है कि काल मारा कुकरा और जिम मारी गुलाम और जमचेल ले रविदास कर किसके आगू करे सलाम, और चमार है डरा को नहीं करते, आना जाना हानि और लाभ का, और ढोक खाए धाड़ा खेड़ेगी, और सतपात गुरु रविदास का बोल संचरण गुरु रविदास महाराज की, और चमार शक्ति, चमार शक्ति। स्वामी समनदास जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सत्संग से ये सारी महिला मंडल जुड़ी हुई है जी, हैं एक दूसरे घर घर में सत्संग किया, घर घर में सत्संग करते हैं, हर संडे का करते हैं, हैं और जी हर पूर्णिमा का करते हैं, जहाँ भी स्वामी समनदास जी महाराज का सत्संग होता है तो हम हर जगह जाते हैं। जैसे कल मीरपुर में 3 अप्रैल का सत्संग था, उसमें भी हम सारी महिला मंडल टीम गई हुई थी जी। देखिए अरविंद कटकवाल जी की माता जी हैं, इनके बच्चे बड़े सक्रिय हैं, इनका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, उन्होंने समाज में इतना बड़ा काम किया है जो हमारे बड़े बड़े लोग अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सके, वो एक समाज के युवाओं ने किया है, तो अच्छा लगा। पहली बार ये बुक करना भी बड़ी बात है तालकटोरा स्टेडियम में, तो कुछ कहेंगी आपके बच्चे को, अपने आशीर्वाद के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है बच्चों को, मेरा लड़का अरविंद कटकवाल अमित जी इनके साथ है, इनका जो भाई हो या मतलब इनका वो मान लो जो इन्हें संगठन बना रहा, बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा, हम जगह जगह जाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं हमें वहीं सत्संग करने जाते हैं, हमारा भी आ रहा 17 अप्रैल का, 17 अप्रैल को हमारा 18 उसका, हमारे भगवानपुर खेड़ा है,
पंचवटी है, हाँ, और वो है ये राजनगर की है। महाराज की भाई देखे, महाराज की आज हम आसन शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज कजे ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर प्रथम चमार अधिवेशन है। इसमें हमारे बीच में महात्मा सुभाष दास जी, महात्मा प्रेम दास जी और हमारे बीच में मिंटू दास जी महाराज जो और सभी साध संगत जो यहाँ पर आई है। हमारे बीच में राजेंद्र जी हैं, नरेला से आए हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आज देखिए जो भी यहाँ विचारधारा गुरु रविदास जी महाराज के प्रति, समाज के प्रति गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा जो भी आज मैं चाहूँगा कि यहाँ रखी जाए, वो पूरे भारत के अंदर हमारे मित्र सैन जी हैं, इनके द्वारा पूरे भारत के अंदर आपके बीच में ये फैलाने का काम करेंगे। और हमें सभी को इस विचारधारा को मानने के लिए चलना चाहिए। और अभी देखिए बहुत संगत अभी हमारे पीछे भी आ रही है, तो सभी के जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतना। महात्मा जी कुछ कहो दोस्त, लो जी महाराज जी आप बोल लो, आज हम भी आए हैं हरियाणा से चलते हैं, आप बोलो पहले बोल लो हरियाणा से अपना परिचय। सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु अमर। अब मैं तो प्रचार हो रहा था इस पे फेसबुक पे, हमने उस पे देखा नेत्रपाल जी बता रहे थे, उनके देखने से फिर हमारे को पता लगा हम भी वहाँ से चलने के लिए आए हैं। मेरा नाम सुभाष दास है, करनाल, करनाल जिला है, इंद्री तहसील रहते हम, पिंजौर आश्रम में IHMT पिंजौर, चंडीगढ़ IHMT पिंजौर, उसमें रहते हैं गुरुद्वारे में रविदास गुरुद्वारा। ठीक है जी, हमारे मिंटू दास महात्मा जी भी मुजफ्फरनगर से आए हैं, तो बताएंगे महाराज जी के बारे में। मंच पे जो अतिथि हैं उनकी फोटो ली जाए। सतनाम संत श्रोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। और हम श्री गुरु रविदास आश्रम ग्राम लछड़ा जिला मुजफ्फरनगर से, महात्मा मिंटू दास जी, आज का जो है कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर जो मनाया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य श्री कृपाल ब्रह्मचारी जी है, हम उन्हीं के साथ इस प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए आए हैं। और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो और वर्ल्ड में इसकी जय जयकार हो। धन्यवाद। देखिए मिंटू दास महात्मा जी थे और अभी राजेंद्र जी हैं, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे, तो बताएंगे कुछ। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं जब से मुझे पता लगा है जी, मैं इसके इस प्रोग्राम को फेसबुक पे और वो खुशी टीवी पे भी और फेसबुक पे भी बहुत प्रचार किया है। और मेरे पास बार बार फोन आ रहे थे कि भाई एक प्रोग्राम खींचता है, मका जी पूरे भारत के अंदर है और हमारे प्रथम चमार अधिवेशन है 2023। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये थे राजेंद्र जी, बहुत अच्छा इनका संचालन आप देख सकते हैं, ये चमार अधिवेशन का प्रथम अधिवेशन है, तो ये भी कुछ। मैं हिमांशु शेखर भास्कर, मेरा बिहार में रविदास शंकर मोर्चा चलता है और मैं रिटायर्ड विकास पदाधिकारी हूँ। और अच्छा लगा, फेसबुक से जानकारी हुई और अच्छा लगा। मैं आज चार दिन से इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ आया हूँ और खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ये रविदास संघर्ष मोर्चा, रविदास का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराने के लिए सभी भाई को अपना देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 1100 रुपये का इनको सहयोग भी दें, सहयोग भी इनको 1100 रुपये का दें। और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से आए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो समाज के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, दौड़ने तो बहुत धन्यवाद महाराज की शरण में आने के बाद। हमें सत्संग से ये सारी महिला मंडल जुड़ी हुई है जी, हैं एक दूसरे घर घर में सत्संग किया, घर घर में जा सत्संग करते हैं, हर संडे का करते हैं, हैं और जी हर पूर्णिमा का करते हैं। जहाँ भी स्वामी समंदा जी महाराज का सत्संग होता है तो हम हर जगह जाते हैं। जैसे कल मीरपुर में 3 अप्रैल का सत्संग था, उसमें भी हम सारी महिला मंडल टीम गई हुई थी जी।
चढ़ बढ़ करके गुरु रविदास महाराज जी का गुरबाणी का व्याख्यान किया और हमारा चमार समाज बहुत ही इस प्रोग्राम के लिए खुशी मना रहा है। हमारी ओर से सभी रविदासी भाइयों को हार्दिक बधाई। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय चमार कोम। ये लालपुर से पूर्व विधायक जी वो भी आए हैं चमार अधिवेशन में और अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इन आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहेंगे अपने दबंग। अब कहना क्या है, इतना पहली बार जो अमित जी या आप जो इस कार्यक्रम को आयोजन किया है आपने, बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए अमित जी को, आपको, मित्र सेन रविदासी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के आप लोग पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि ये कारवां रुकने न पावे। अब की बार तो जिस हिसाब से था बहुत ठीक था पहली बार, अब अगली बार जब होगा तो बहुत अच्छा होगा, मैं इतना जानता हूँ। इसका कई गुना भीड़ होगी, लेकिन यहाँ जो कुछ यहाँ गड़बड़ी कुछ लोगों ने किया, तो वो भविष्य में उस पर, क्योंकि मेरा नाम कुंवर अरुण है, मैं पूर्व विधायक हूँ, मेरे पिताजी स्वतंत्रता से MLA हुई, वो चार बार लगातार MLA रही अम्बेडकर नगर से। हाँ, और बाद में मैं MLA हुआ, मैं जनता दल से हुआ, हमारी पत्नी टांडा की ब्लॉक प्रमुख रही, और हम लोग रविदासी समाज से के बहुत अनुयायी रहे रविदास भगवान के। ये कुछ बोलना चाह रहे, बोल दो। मैं ग्वालियर से हूँ, गोपीलाल भारती मेरा नाम है। मैं मोटे तौर पर दो बात कहना चाह रहा हूँ कि भारत के संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान है वो बाबू जगजीवन राम जी की देन है। भारत के संविधान सभा की आप प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिएगा, 27 और 28 अगस्त को संविधान सभा की बहस में बाबू जगजीवन राम ने हिस्सा लिया था, और उस बहस में बाबू जगजीवन राम ने आरक्षण के प्रावधान करा दिए गए थे। और उस संविधान निर्माण में जो बाबू जगजीवन राम जी की सभा से चुन के आए थे, 19 आए 18 आए, उनका भी पता बड़ा योगदान है। लेकिन दुख इस बात का है, कोई भी आदमी चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे हमारे राजनीतिक हो, ना बाबू जी के योगदान को याद करता है, ना संविधान सभा में उसका। वो प्रारूप समिति में थे ही नहीं, तो वो आरक्षण कैसे दिला देंगे? आरक्षण तुमने दिलाए 27-28 तारीख में बहस कर रहे थे अल्पसंख्यक समिति में, बहस कर रहे थे वो।
इसी तरह भारत के संविधान निर्माण में बाबू जगजी मराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। बाबू जगजी मराम जी भी संविधान निर्माताओं में से सबसे प्रमुख निर्माता हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ सर। बस आया हूँ जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान असली माना जाता है, और आज भी बिहार जाएंगे, भारत भी जाएंगे तो वह भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज वहाँ पे 10 सालों में अब भगवान बुद्ध तो जानते ही हैं, लेकिन अब वहाँ रविदास महाराज के नाम से जाने जाते हैं। कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो गुरु रविदास की नगरी, विष्णु नगरी, जहाँ मोक्ष धाम की नगरी है, जहाँ पिंड दान होता है, उसी के बगल में सदगुरु रविदास महाराज जी को हम लोगों ने स्थापित किया। ये शक्ति कहाँ से मिली, कैसे मिली? जब ये गुरु रविदास जी की अमृतवाणी गूंजने लगी पूरी दुनिया में, उसकी अमृतवाणी के माध्यम से हमारे जितने भी रविदास कौम के भाइयों थे, अब वो मधुमक्खी की तरह धीरे धीरे अब इकट्ठा हो रहे हैं। आज जो इसका उसी का परिणाम है कि जो आज यहाँ पे 4 अप्रैल 2023 को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में जो प्रथम चमार अधिवेशन का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, हमारे सभी युवाओं के द्वारा, जो अमित के जितने भी सारे युवाओं जो मिलकर कि इन्होंने भारत के प्रत्येक के राज्यों में जो आगाज किया है, ये हमारा प्रथम आगाज है। इसलिए मैं तमाम सभी रविदास परिवार लोगों को, भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह से अधिवेशन हमारे प्रत्येक राज्यों में राज्य स्तर पर किया जाए। और जो मित्र सेन जी जो चमार बुलेटिन के माध्यम से जो पूरे देश दुनिया में आप खबर पहुंचा रहे हैं, आपको और आपके तमाम टीम को, लोगों को मैं गया जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन चंदन वंदन करता हूं। हमारे साथ अरविंद कुमार दास जी हैं जो इस अधिवेशन के हिस्सा बने हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा साहब, धन्यवाद। देखिए अरविंद कटकवाल जी की माता जी हैं, इनके बच्चे बड़े सक्रिय हैं, इनका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। उन्होंने समाज में इतना बड़ा काम किया है जो हमारे बड़े बड़े लोग अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सके, वो एक समाज के युवाओं ने किया है। तो अच्छा लगा, पहली बार ये बुक करना भी बड़ी बात है तालकटोरा स्टेडियम में। तो कुछ कहेंगे आपके बच्चे को, अपने आशीर्वाद के साथ में काम कर रहे हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद है बच्चों को। मेरा लड़का अरविंद कटकवाल अमित जी इनके साथ है, इनका जो भाई हो या मतलब इनका वो मान लो जो नए संगठन बना रहा, बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा। हम जगह जगह जाते हैं, जहाँ भी बुलाते हैं हम वहीं सत्संग करने जाते हैं। हमारा अभी आ रहा 17 अप्रैल का, 17 अप्रैल को हमारा 18 उसका। हमारे भगवानपुर खेड़ा है, पंचवटी है, हाँ, और वो है ये राजनगर की है। ये सारी मंडली हम मिलकर सब एक साथ रहते हैं। हाँ, हमने पूरा संगठन बना रखा महिला मंडल का, जो भी लड़कियाँ बड़ी बुजुर्ग हमारे साथ आवे, हम उनके सबका धन्यवाद करते हैं। देखो इनके बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, आशीर्वाद देना चाहेंगे अपना, और इन पूरे लगे हुए हैं इनके साथ में। भगवानपुर खेड़े की मंडल महिला से भी हम मिलेंगे, वो समाज में कुछ संदेश देंगे। आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कैसे जानकारी लगी आपको? जो अरविंद कटकवाल है, उन्होंने मंदिर में मीटिंग की थी तब पता चला, और मैसेज वगैरह डाला, पर्चे वगैरह छपवाए, तब फिर सबको ये जानकारी दी कि वहाँ पे तालकटोरा स्टेडियम में जाना है, उसके उनके थ्रू आए हम यहाँ पे। अजी जय गुरुदेव, मैं अमित कुमार सिंह, संस्थापक चमार एकता मंच। आज 4 अप्रैल 2023 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रथम चमार अधिवेशन सफल हो गया है। पूरे देश भर के और विदेशों से बल्कि आए हुए लोगों ने मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन लोगों का जिन्होंने किसी भी रूप में चमार एकता मंच को, इस अधिवेशन को सफल करने में उनकी मदद की है, और ख़ास तौर पर अपनी टीम के सभी लोगों का, सभी सदस्यों का, भाई अरविंद कटकवाल जी, अंकुश भाई, सचिन मुणखिया, सचिन शेरवाल जी, रोहित धीरवान जी, मनोज प्रधान जी, दिलबाग सिमार जी, और अन्य अन्य वे लोग जो इस कार्यक्रम में इसके शामिल रहे और उसको सफल बनाने के लिए हमारे साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। कोई सवाल? और कुछ लोग
अभी आप देख रहे हैं कि वो जो फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर जितने भी महापुरुष हमारे हैं वो सभी चमार महापुरुष हैं। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बाबा साहब क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूं 1943 में चमार रेजिमेंट बनी थी और 1946 में उसको समाप्त कर दिया गया था। वो सब बाबा साहब के और हमारे महापुरुषों के सामने देखते देखते ख़त्म हुई, जबकि बाबा साहब एक महार कैटेगरी से आते हैं उनका, लेकिन महापुरुष के नाते हमारी कौम से ज़्यादा, चमारों से ज़्यादा उनका कोई सम्मान नहीं करता। उतनी मूर्तियां तो पूरे देश में भी नहीं होंगी जितने हमारे यूपी स्टेट के लोगों के और उत्तराखंड वालों के घरों में लगी हुई हैं। तो जो उपजातियां आम चमारों से अलग हुई हैं वो भी हमसे जलने का काम करती हैं, इसलिए अपने चमार समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस इतने बड़े आयोजन का जो आयोजक कमेटी ने रखा है वो धन्यवाद के पात्र हैं, और जो लोग यहां आए हैं वो सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो अमित जी कुछ कह रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मैं फीडबैक लेने के लिए मैं हर एक व्यक्ति से अलग अलग मिला, तो मैंने यही जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो किस उम्मीद के साथ आए थे दिल्ली में। तो जो फीडबैक आया है समाज की ओर से वो ये है कि पहली बार चमार अधिवेशन पर बात हुई है, चमार सम्मेलन पर बात हुई है, गुरु रविदास जी के चमार कॉन्सेप्ट पर बात हुई है। तो लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपको अपने अपने प्रदेशों में बुलाने वाले हैं इस चमार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, और ये निश्चित तौर पर एक चमार आंदोलन के रूप में आगे उभरने वाला है। उन्होंने आश्वासन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हमें दिया, और जब मैं पहली बार भी उनसे मिला था उन्होंने तब भी मुझे आशीर्वाद दिया था कि उनका जो शब्द थे वो मैं बता रहा हूँ कि अमित मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गुरु रविदास जी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए कोई हाँ जी 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 उस समय भी उन्होंने कहा था। तो हाँ, तो उन्होंने अंशुल जी, जैसा कि मैं लोगों से सुनता था कि उनके बारे में अलग अलग व्यू थे, लेकिन आज जब मैंने उनको प्रत्यक्ष सुना तो गुरु रविदास जी का अनन्य भक्त हैं, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने समाज के भविष्य के लिए बताई वहाँ पर अधिवेशन में, जो कि रिकॉर्डेड हैं आपको अलग अलग उस पर चैनल पर मिल जाएगी। जी, और कोई मुख्य अतिथियों के नाम बताएं दूर दराज से जो लोग आए थे, मुख्य लोग दूर दराज से, जैसे एक शिरडी से दत्ता डुसिंग उनका शायद नाम है कुछ, और महाराष्ट्र से थे, और महाराष्ट्र से एक गोपीनाथ गाड़े जी, और मध्य प्रदेश से गोपीलाल भारतीय जी, रामपाल वर्मा जी, मेरा अंदाजा है कि कम से कम 20 राज्यों से लोग थे इसमें। हाँ, कम से कम 20 राज्यों से लोग थे, असम कर्नाटक तक के लोग इसमें मुझे मिले हैं वहाँ पर। हाँ, पूरे चमार समाज में एक चेतना भर गई है, और ये जो है एक निश्चित तौर पर चमार आंदोलन जो उभर रहा है, और क्योंकि चमार समाज के बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, बहनों ने आशीर्वाद हमें दिया है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। जय गुरुदेव। मनोज प्रधान, खतौली। जो हमारा आज प्रथम अधिवेशन हुआ है चमार मंच, एकता मंच का, ये बहुत सफल रहा है और आगे भी ये सफल रहेगा। ये हर वर्ष अलग अलग जगह पे होगा, जैसे आपके दिल्ली में हुआ है, कोशिश करेगा अगले साल यूपी में हुए, और बहुत ही सफल रहा है और ऐसे ही सफल रहेगा आगे, और ये हमेशा मैसेज अच्छा ही जाएगा। जय गुरुदेव। जो लोग इस कार्यक्रम को मनवा दिया उसका बता रहे हैं, उन मति वरिष्ठ लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, यहाँ ठीक नहीं कर पाए, मुझे फटाफट में ठीक कर देंगे। हाँ, वहाँ पूरी हो जाएगी। कि ये हैं भाई अरविंद खटकवाल जी, जो कि काफ़ी परिश्रम कर रहे थे कि समाज एकजुट हो, और दिल्ली के सेंटर में जो देश का सेंटर है वहाँ पर इन्होंने समाज का एक संदेश दिया है जो पूरे देश में तहलका मच गया है। तो भाई बताएं आप जो हैं।
जय गुरुदेव धन गुरुदेव। मैं अरविंद कटकवाल चमार एकता मंच का राष्ट्रीय प्रभारी। सबसे पहले मैं अपने पूरे समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे लोग 2,000-3,000 किलोमीटर से चल के आए, 20-22 राज्यों से आए, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो हमारे समाज के सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथियों ने जो हमारा साथ दिया, जो हमारे समाज में हमारे आसपास में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, और सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सचिन भाई, आपने काफ़ी लोगों के वहाँ चेहरे देखे, दर्शन हुआ आपको लोगों का, संतों का, गुरुओं का, आपकी शोभा बढ़ाई आपके कार्यक्रम की, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन महात्माओं को, और कुछ चमार बहुत भिक्षु भी आ रहे थे वहाँ पर? सब पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके उसकी शोभा बढ़ाई, और जो आगे हमारे प्रोग्राम होंगे उन्हें और अच्छे तरीके से हम इनको लेकर चलेंगे अपने प्रोग्रामों को। जो कुछ लोग आपका कार्यक्रम खराब करने के लिए भी आए थे, उन्हें आपने कैसे झेला, कैसे समझाया आपने उनको? बस झेल लिया जी, वो तो समझावा बुझा कर कहना चाहिए कि भाई आगे ऐसे किसी का कार्यक्रम ऐसे खराब, बिल्कुल किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, जिस तरीके से वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे वो फुल प्लान से वहाँ पे आए हुए थे। हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जब इतनी मेहनत करने के बाद कोई किसी का प्रोग्राम खराब करने की कोशिश करे, और वो भी प्लान के साथ। हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है, जब समाज के साथ कोई लोग गलत करना चाहते हैं तो फिर तो आदमी को बुरा लगता ही है, जब इतनी मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को प्लान को हमारे इस प्रोग्राम को खराब करने की कोई वो नहीं मिली। तो सचिन जी आपको तो बहुत सहानुभूति मिली आपकी पूरी टीम को, सभी ने जो है, बिल्कुल जी हमने अपनी श्रद्धा से अपना काम किया है, हमने किसी के ऊपर ना फालतू ध्यान दिया और ना कुछ किसी को गलत बोला। हम और मुख्य वक्ता भी जो आए थे वहाँ पर, वो सब भी आपको जो है आशीर्वाद अपना दे के गए। हाँ जी बिल्कुल, सब अपना अच्छे से आशीर्वाद दे के गए हैं और आगे बढ़ने की वो दे के गए हैं, दिशा दे के गए हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल हम नहीं रुकेंगे जी, हम तो करते रहेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं 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 बिल्कुल, और जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बराबर करेंगे, बिल्कुल हर जगह जाएंगे, जो भी बुलाएगा हर जगह जाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका।